दोस्तों, हाल ही में हॉटस्टार के ऊपर एक नया शो आया जिसका नाम है ताजा खबर। मैंने अभी हाल ही में उसको कंप्लीट करा और मैं आपको बताता हूँ मेरे को शो कैसा लगा। लेकिन उससे पहले कहानी का थोड़ा ओवरव्यू जान लो, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि शो किस बारे में है। तो कहानी भाई काफी मिडिल क्लास बंदे की, जो कि मुंबई में रहता है और एक शौचालय चलाता है। लेकिन जैसे हर मिडिल क्लास बंदे का एक सपना होता है बहुत सारा पैसा होने का, एक सक्सेसफुल लाइफ जीने का, इन भाई का भी यही सपना होता है शो के अंदर कि उनको अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना है। तभी किसी तरह से उस बंदे को एक वरदान मिलता है कि वो कोई सी भी खबर फ्यूचर में होने वाली प्रेजेंट में दिख सकता है। कैसे मिलता है ये वरदान, ये तो भाई शो देख के जानो। अब इस वरदान का वो क्या क्या इस्तेमाल करता है, इस बारे में पूरा शो है। भाई बात करते हैं शो के पॉजिटिव्स की, तो शो मजेदार लगा भाई, आपको कम्प्लीटली हुक्ड रखेगा। और भाई मैं अपनी बताऊं तो भाई पहला एपिसोड तो मैंने देखा था 30 मिनट का, लेकिन पहला एपिसोड खत्म होने के बाद मेरे को दूसरा एपिसोड देखने का तुरंत बन गया था। तो भाई दूसरे एपिसोड के बाद मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे को उसको बंद भी करना है, उसको मैं देखता गया भाई पूरे एपिसोड के अंदर पूरी तरह खो गया था। तो समझ सकते हो मतलब कितने लेवल की इंटेंसिटी बना रखी है शो के अंदर। हर एपिसोड खत्म होने के बाद आपको लगता है कि अगला एपिसोड तुरंत देखा जाए। तो भाई शो को अच्छे से बनाया गया है, मैंने बहुत एंजॉय करा। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले IMDb वगैरह पे काफी ज्यादा रेटिंग्स वगैरह चेक करी, मैंने देखा काफी लोगों को ये शो ऑलरेडी पसंद आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप एक ऑनलाइन क्रिएटर हो तो भाई इस शो के अंदर हमको बीवी के वाइंस वाले भुवन बाम दिखते हैं मेन लीड में। भाई मेरे लिए तो सिर्फ वही वजह काफी थी शो को देखने के लिए, मैंने ये शो देखा है भाई बीवी की वजह से। भाई बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, एक यूट्यूबर बंदा उस लेवल तक जा रहा है कि बंदों के ऊपर मतलब सीरीज बनने लग गई है। इससे पहले ढिंडोरा आई थी, लेकिन मैं ढिंडोरा से भी अलग लेवल का मजा आया मुझे इस सीरीज के अंदर। तो ये सीरीज मैं आपको एक बार देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। आपको कोई ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है सीरीज को, 25-30 मिनट के सारे एपिसोड है, 6 एपिसोड है, तो आप 3-4 घंटे के अंदर पूरी सीरीज खत्म कर लोगे। और सीरीज खत्म भी भाई अच्छे तरीके से करा गया है, एक सेकंड सीजन की क्यूरियोसिटी भी बन गई है शो के खत्म होते होते। तो मैं आपको एक बार देखने के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा। यही मेरा छोटा सा रिव्यू था शो के बारे में। अब आप मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना आप ये शो देख चुके हो या नहीं, या देखने वाले हो। अभी की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।